अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अवर YouTube चैनल कुकिंग विद किड्स फूड सीक्रेट्स। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल्स। तो इसको बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, जो हम आम रूटीन में अपने घरों में यूज़ नहीं करते। इसको बनाने का मकसद ये है कि बहुत आसानी से बन जाती है और जल्दी बन जाती है, और सबसे बड़ी याद है कि खिला खिला हर सब्जी का जो एक लुक है फ्रेश रहती है। तो इसके लिए जो मैंने सब्जियाँ है, गाजर है, मटर, आलू, गोभी और शिमला मिर्च। आप इसके अलावा भी अपनी मर्जी से कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को मैंने काट लिया है और यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी बॉयल करने के लिए रखा है, और उसमें मैंने डाला है जी 1/2 चम्मच नमक। नमक मिक्स करने के बाद अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। ये सबसे पहले मैंने इसमें गोभी ऐड की है। गोभी को मैंने मोटा मोटा काटा है, ज्यादा बारीक नहीं काटना। और उसके बाद आलू मैंने इसमें शामिल किए हैं, आलू भी मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। सब्जियों को हमने जी बॉयल करना है सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट तक, बस इससे ज़्यादा इनको बॉयल नहीं करना। और ये अब मैं इसमें शामिल करूँगी मटर। आप सब्जियाँ अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, इसमें से कोई सब्जी आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये है जी मेरे पास गाजरें, लाल लाल सी प्यारी प्यारी सी। तमाम सब्जियां इसमें मैंने डाल दी हैं, लेकिन याद रहे कि सब्जियां ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए। जस्ट हमने इसका जो है ना वो हल्का सा टेंडर करना है इनको। और ये जी शिमला मिर्च जो मैंने बारीक बारीक काटी है, इसको मैंने बॉयल नहीं किया और ना ही करना है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसको हमने कब ऐड करना है। ये जी 2 से 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 4 मिनट मैंने इनको बॉयल किया फ्लेम ऑफ करने के बाद। अब मैं इसको ड्रेन कर रही हूँ, सारा पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है, इसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल ली हैं सारी सब्जियां। अब इस तरीके से पकी हुई सब्जियों की आप लुक देखिएगा, सब्जियों का कलर खराब नहीं होगा, हर सब्जी का अपना अलग एक कलर आपको नजर आएगा फ्रेश। क्योंकि जब हम दूसरे तरीके से आम जो हम अपने घर में तरीके से सब्जियां बनाते हैं, उससे सारी की सारी सब्जियों की लुक खराब हो जाती है, इनके कलर फेंट हो जाते हैं, काला काला सा वो एक हंडिया की जो लुक होती है ना, काली सी हो जाती है। अब जनाब दूसरा स्टेप है जी, हमने ले लिया है घी या ऑयल जो भी आप यूज करते हैं, उसमें 2 बड़े साइज के मैंने प्याज काट के डाल दिए हैं। अब प्याज को हमने जो है ना हल्का सा सोते करना है, ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना, सिर्फ इनको नरम करना है। 2 से 3 मिनट तक इसको भूनेंगे। और ये है जी मेरे पास 1 टेबलस्पून भर के अदरक और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। लहसुन अदरक डाल के भी इसकी भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट तक। और अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड करूँगी, और इनको भी प्याज और लहसुन अदरक के साथ अच्छे से भुनाई कर लेनी है कि लहसुन और अदरक की स्मेल ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन जलना नहीं चाहिए, इसका कलर डार्क नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि आपकी सब्जियों की लुक भी ख़राब हो जाएगी। अगर प्याज का कलर हमने ज़्यादा डार्क कर दिया तो सब्जियों का कलर भी डार्क हो जाएगा। अब इसमें नमक शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। 1/2 चम्मच सुरह मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच से भी कम मैंने डाली है जी हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है, और ये है जी 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स जिसको दादर मिर्च भी कहते हैं, और 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी ये है जी 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, और अब जो लास्ट है वो है जी साबुत जीरा, काला जीरा या सफ़ेद ज़ीरा जो भी अवेलेबल है। ये सारे स्पाइसेस मैंने अब इसमें प्याज में डाल दिए हैं। अब मैं इनकी भुनाई करूँगी, इसको 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी कि मसालों की खुशबू आने लग जाए। भून लीजिए इसको 1 से 2 मिनट तक, और इस तरीके से आपका टाइम भी बचता है और आपकी सब्जियां जो है ना खिली खिली से पकती हैं। अब 1/2 से भी कम कप मैंने पानी लिया है, 1/2 कप से भी कम, क्वार्टर कह लीजिए कि पानी मैंने इसमें शामिल किया है। और इसको अब भून लेंगे कि इसका पानी ड्राई हो जाए और घी जो है ना वो निकल आए। ये देखिए घी निकल आया है, इसमें कि हमारा मसाला रेडी है। ये जो देखिए सब्जियाँ बॉयल होने के बाद कितने प्यारे इनके कलर हैं। ये अब सब्जियाँ ऑलमोस्ट टेंडर हो चुकी हैं, गली हुई हैं, हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इसको मसाले में डाल के जस्ट हमने इसको दम लगाना है। 5 मिनट इसको दम वाली आंच पे रख के दम लगाएंगे तो ये रेडी हो जाएंगी। और ये जो शिमला मिर्च मैंने बॉयल नहीं की थी ना, इसको दम पे डाला है, क्योंकि शिमला मिर्च अपना जो है ना वो शेप खो देती हैं,
बॉयल करके, तो ये जल्दी से टेंडर हो जाती हैं। तो इसको दम पे डालिए, ये दम में ही गल जाएंगी अच्छे से मिक्स करके ऊपर नीचे। तो अब मैंने 1/4 कप इसमें पानी ऐड किया है ताकि जो शिमला मिर्च है ना ये भी गल जाए, स्टीम, इस पानी का स्टीम बनेगा और शिमला मिर्च गल जाएंगी। ये लीजिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जियां रेडी हैं, सब्जियों ने घी छोड़ दिया है। अब मैंने हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, सब्जियों को ऊपर नीचे करके मिक्स कर लिया है और अब कर दिया है जी मैंने फ्लेम ऑफ। नाउ इट्स टर्न टू सर्व। देखिए गाजरों का कलर खराब नहीं हुआ, मटर का कलर खराब नहीं हुआ, गोभी का कलर खराब नहीं हुआ, हर सब्जी का अपना अलग अलग कलर आपको नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।